इजराइल हमास की जंग में उतरे ईरान के शैतान हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल के सामने इजराइल के मारकावा टैंक हुए फेल। अब गाजा की सुरंगों में होगा बड़ा खेल। दोस्तों, पिछले दो हफ्तों से गाजा में भीषण महायुद्ध चल रहा है। धुएं से भरा आसमान, धाराशायी हुई इमारतें, मलबे के नीचे दबे इंसान, भूख से तड़प रही जनता और चारों तरफ फैली तबाही का मंजर इस बात का पुख्ता सबूत है कि गाजा का हाल बेहाल हो चुका है। जहां एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं हमास के लड़ाके गाजा की सुरंगों में छिपकर बैठे हैं और इजराइल आर्मी पर धावा बोलने के लिए सही पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ईरान, लेबनान, जॉर्डन, अमेरिका, रूस, चीन, रसिया और भारत ने भी इस जंग में कदम रख दिया है और अगले कुछ दिनों में गाजा का हाल बद से बदतर होने वाला है क्योंकि इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्स को गाजा के अंदर भेज दिया है। तो क्या इजराइल दुनिया के नक्शे से गाजा का नामो निशान मिटा देगा या दुनिया के सभी मुस्लिम देश हमास के साथ मिलकर इजराइल को घुटनों पर ला देंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री IDF को गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दिखा चुके हैं। जल्द ही गाजा के अंदर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस और टैंक आर्मी प्रवेश करने वाली है और ये अटैक इजरायली सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है क्योंकि उनके पास गाजा में एंट्री का तो प्लान है लेकिन एग्जिट का कोई प्लान नहीं। जी हाँ, करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए हमास का सबसे मजबूत किला है क्योंकि जितना वो जमीन के ऊपर है उससे दोगुना ज्यादा जमीन के नीचे। गाजा के सरजमीन के नीचे दो मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं जहां तक पहुंचने का रास्ता पतली सुरंगों से होकर गुजरता है और इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के अड्डे हैं, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं और कदम कदम पर दुश्मनों के लिए जाल बिछे हुए हैं। और पिछले दो हफ्तों से गाजा पर हो रही एयर स्ट्राइक से बचने के लिए हमास के 25,000 से भी ज्यादा लड़ाके इन सुरंगों में छिपे बैठे हुए हैं। जी हाँ, दावा किया जाता है कि गाजा के नीचे 500 किलोमीटर तक लंबी सुरंगे हैं जिसमें हमास के लड़ाके चूहों की तरह छिपे बैठे हैं और जैसे ही इजराइल की ग्राउंड फोर्स गाजा में प्रवेश करेगी हमास के आतंकी सेना पर टूट पड़ेंगे क्योंकि उन्हें इन सुरंगों का चप्पा चप्पा पता है और यहां से वो पूरे गाजा में कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि 2006 में हुए यहूदी फिलिस्तीन युद्ध में भी इजराइल ने गाजा के सुरंगों को नष्ट किया था लेकिन अब बताया जा रहा है कि पिछले 17 सालों में हमास ने गाजा के सुरंगों की संख्या दोगुनी कर दी है। ये सुरंगें कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती है इस बारे में इजराइल डिफेंस फोर्स रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा सकती जो उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन इस कई दशक से चले आ रहे युद्ध में गाजा और लेबनान के आतंकियों ने कई बार सुरंगों का सहारा लेकर इजराइल को मात दी है जिसके लिए 1995 में इजराइल ने अपनी पहली याहलूम यूनिट बनाया था जो कि सुरंगों को ढूंढकर उनको आतंकियों समेत नष्ट करने में माहिर मानी जाती है। उनके पास सुरंगों को ढूंढने के लिए हवाई सेंसर्स मौजूद है, साथ ही उनके पास जमीन में ड्रिलिंग करके सुरंग खोजने की टेक्नोलॉजी भी है जिनके जरिए याहलूम यूनिट सुरंगों को ढूंढती है और फिर बड़ा विस्फोट करके एंट्री एग्जिट के साथ पूरी सुरंग को ही धाराशायी कर देती है जिससे उसके अंदर फंसे इनके दुश्मन मलबे में दबकर ही मर जाते हैं। और ये बात जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी कि IDF का सिंपल प्लान यही है कि ग्राउंड यूनिट और टैंक गाजा में याहलूम आर्मी को कवर देंगे जो कि सुरंगें खोजकर उनके एंट्री एग्जिट को तबाह कर देंगी जिससे अंदर फंसे हमास के लड़ाके दम घोटकर तड़पते हुए मर जाएंगे। और ऐसा करना गलत भी नहीं होगा, याहलूम इस काम में दुनिया की सबसे बेहतरीन सैन्य टुकड़ी है इसलिए भले ही हमास के आतंकी इस वक्त सुरंगों में छुपे हों लेकिन जैसे ही इजराइल की ग्राउंड यूनिट गाजा के उन सुरंगों के पास पहुंचेगी उन्हें बाहर निकलकर लड़ाई करनी ही पड़ेगी वरना वो बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान याहलूम यूनिट ने इजराइल के उत्तरी सीमा के पास कई सुरंगों की खोज की थी जो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह की थी और याहलूम ने अंदर छिपे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जान की परवाह किए बिना सुरंगों में हजारों टन गीले सीमेंट वाली कंक्रीट डाल दी थी। वहीं सुरंगों में फंसे आतंकियों को जीते जी नर्क के दर्शन करवाने के लिए याहलूम ने कई बार इन सुरंगों में हजारों टन सीवर का गंदा पानी भी छोड़ा था। और बताया जा रहा है कि इस बार तो इजरायली सेना इन सुरंगों में जहरीला गैस डालने के बारे में सोच रही है जिससे सुरंग में छिपे हमास के आतंकियों के दम घुटने की वजह से मौत हो जाएगी। और बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में घुसते ही हमास की पहली सुरंग खोजकर उसमें विस्फोट भी
कर दिया है। साथ ही उन्होंने हमास के टॉप कमांडर जिहाद महसिन के घर पर एयर स्ट्राइक करके उनके और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। अब हमास के कमांडर्स की मौत का आंकड़ा 10 के पार पहुंच चुका है, जिससे हमासी लड़ाके तितर बितर हो गए हैं। अब दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि ये जंग तो इसराइल ही जीतेगा, तो बता दें कि ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ लेबनान की बॉर्डर पर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। जी हां, पहले तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इजरायली बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की और गोलन की पहाड़ियों पर मौजूद इसराइल के 2 अड्डे तबाह कर दिए, जिसके बाद अपनी एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल के सबसे मजबूत टावर मारकावा को तबाह कर दिया। और अब ताजा फुटेज में आप देख पाएंगे कि गोलन की पहाड़ियों पर इसराइल का एक टावर मौजूद है, जिस पर छोटे रडार लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं और सर्वेलांस कैमरे भी लगे हैं, जिनके जरिए IDF लेबनान की तरफ नजर बनाए रखता है। लेकिन हिजबुल्लाह का एक स्नाइपर झाड़ियों में पीछे छुपते हुए पहाड़ी के पास आता है और अपनी स्नाइपर से टावर के सभी सिस्टम को उड़ा देता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपनी सभा में साफ साफ कह दिया है कि हम हमास के साथ हैं और इस बार हम इसराइल को तबाह करके ही मानेंगे। जिसके लिए लेबनान बॉर्डर से इसराइल में घुसने से पहले हिजबुल्लाह की आंखें यानी कि निगरानी सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास 1,00,000 लड़ाकों की सेना है, अनगिनत मशीन गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। और पिछले कई सालों से ये सब चीजें ईरान हिजबुल्लाह को सप्लाई करता आ रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह ईरान का एक छिपा हुआ हथियार है और अब ईरान ने इसराइल को खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह को ऑर्डर दे दिया है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि ईरान के टॉप लीडर्स ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर आपने गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या करने से इसराइल को नहीं रोका, तो हम अपनी सेना को गाजा में उतार देंगे और इसराइल के साथ अमेरिकन सैनिकों को भी मार गिराएंगे। तो सुनकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ईरान ने हाल ही में रूस के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग की है और अब ईरान व रूस हमास के साथ आकर खड़े होने का प्लान बना रहे हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस की सभा में फिलिस्तीनी देश जॉर्डन ने भी भारी सभा के सामने इसराइल को धमकी दे दी कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो फिर जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ऐसे में अगर आप नक्शे पर देखें तो एक तरफ लेबनान, दूसरी तरफ जॉर्डन, तीसरी तरफ सीरिया ने इसराइल को घेर लिया है और अब इसराइल नहीं रुके तो गाजा में भी ईरान और रूस के सैनिक उतरेंगे और जो चौथी तरफ से भी इसराइल को घेर लेंगे। ऐसे में अमेरिका को भी इसराइल तक मदद भेजने में परेशानी जरूर होगी। लेकिन ये तो बात हुई ग्लोबल लीडर्स की और आतंकवादी संगठनों की, लेकिन उन बेकसूर नागरिकों का क्या जो इसराइल और गाजा में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त गाजा का हाल किसी नरक से कम नहीं है, क्योंकि 9 अक्टूबर से इसराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेज लगा दिया है, यानी कि खाना पानी और सप्लाई, बिजली और दवाइयों की सप्लाई भी इसराइल ने रोक दी है। ऊपर से लगातार बमबारी होने की वजह से गाजा के दृश्य बहुत ही खौफनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गाजा में 4,200 फिलिस्तीनी नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं और हजारों बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन लगातार गिर रही मिसाइल्स के बीच उन्हें बचाना भी मुश्किल हो गया है। एक इंटरव्यू में गाजा के नसीर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि हमारा फ्यूल भी खत्म होने वाला है और यहाँ 60 पेशेंट्स डायलिसिस और 35 पेशेंट्स ICU में हैं। ऐसे में अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे और ये हाल सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं, सभी हॉस्पिटल्स का है। वाकई में जंग में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसकी तो कोई गलती भी नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल और गाजा के उन आम इंसानों की जिनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बनी हुई है। आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहेंगे कि आप युद्ध में साथ हो या फिर इंसानियत के साथ, कमेंट करके जरूर बताइए और जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसराइल हमास के इस जंग के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।